फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बिहार और जिस तरह का गठबंधन हुआ, एक उम्मीद जागी है आने वाले समय में, जो बिहार में जिस तरीके से बीजेपी का सफाया होगा और प्रदेशों में भी जनता और दल एक होंगे। नेतृत्व को लेकर नीतीश कुमार के समर्थन की बात, देखिए नेतृत्व कौन करेगा ये अभी नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन देश में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो इस प्रयास में हैं, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, आपके जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी प्रयास कर रहे हैं, और चर्चा जो अखबारों में आ रही है कि बिहार की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन देश की जनता बदलाव चाहती है। बिहार में जब से सरकार का परिवर्तन हुआ है तब से एक मुद्दा तेजी से सामने आ रहा कि नीतीश कुमार आगामी आम चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या इस मुद्दे पर अखिलेश यादव नीतीश को समर्थन देंगे। जब अखिलेश से बिहार सरकार परिवर्तन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिए। वहीं जब उनसे नीतीश की दावेदारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ममता बनर्जी का नाम उछाल दिया। जो बिहार की राजनीति रही है और नीतीश कुमार को 24 को लेकर समर्थन, उसमें आप क्या कहेंगे? आप बिहार और जिस तरह का गठबंधन हुआ, एक उम्मीद जागी है आने वाले समय में, जो बिहार में जिस तरीके से बीजेपी का सफाया होगा और प्रदेशों में भी जनता और दल एक होंगे। नेतृत्व को लेकर नीतीश कुमार के समर्थन की बात, देखिए नेतृत्व कौन करेगा ये अभी नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन देश में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो इस प्रयास में हैं, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, आपके जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी प्रयास कर रहे हैं, और चर्चा जो अखबारों में आ रही है कि बिहार की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन देश की जनता बदलाव चाहती है। GST ने बर्बाद कर दिया व्यापार को, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आप सोचिए 12 जिलों की भर्ती है, 1,13,000 नौजवानों ने पर्चे भरे हैं, 1,10,000 बेरोजगार लौटेंगे। आप अभी गाजीपुर में निकालिए भर्ती, आजमगढ़ में भर्ती निकालिए, आप निकालिए बलिया में भर्ती, आप निकालिए बनारस में भर्ती, आप देख लेना कितनी बेरोजगार है, कितने बड़े पैमाने पर है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के नाम के आगे दो और नाम उछाले, उससे इस बात के संकेत लगाए जा रहे हैं कि PM उम्मीदवारी की रेस में नीतीश कुमार इतने आसानी से नहीं आने वाले। हालांकि अपनी हार पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोगों तक बात नहीं पहुंच पाई। लोग किस तरीके का, ये लोकतंत्र में जनता में जाएंगे और लोकतंत्र में कई बार जनता जो मुद्दे हम समझाना चाहते नहीं समझा पा रहे। GST क्या लाभ हुआ गरीब को, क्या गांवों में बेरोजगार हैं कि नहीं है, महंगाई है कि नहीं है, क्या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अंबेडकरवादी बहुजन समाज के लोग सोचेंगे ना कि आखिरकार क्या हो रहा है, संविधान के तहत चल रही क्या सरकार। कुल मिलाकर हार के बाद भी अभी भी विपक्षी एकता की बात इतनी आसान नहीं लग रही है। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।